चैनल निकी मेकअवेयर में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और ये न्यू ईयर का मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ एक ब्रश का रिव्यू, और साथ ही ये हमारी बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे या ना भी लगे, तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही जाइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएंगी। अब ज़्यादा देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ मेकअप ब्रशेस के बारे में। तो मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा मेकअप ब्रश शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाला है बिगनर्स के लिए, और साथ ही ये प्रोफेशनल यूज़ में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बेली के ब्रशेस के बारे में। इसमें मोस्टली आपके जितने भी ब्रशेस मैंने लिए हैं, परचेस किए हैं, ये बेसिकली आई ब्रशेस हैं। आई मेकअप के लिए जो भी हमें ब्रशेस की नीड होती है वो सारे ब्रशेस हैं। तो मैं आज आप लोगों को इसका फुल रिव्यू देने वाली हूँ और साथ ही बताने वाली हूँ कि पर्सनली मुझे ये कैसा लगता है, इसका प्राइस पॉइंट कितना है, इसका क्वालिटी कैसा, सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके आप देख सकते हो इसके आउटर पैकेजिंग बहुत ही कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है, ऐसा कि आप बाहर से देख सकते हो। तो ये इस तरीके के पैकेज में रिसीव होता है, और इसके साथ हमें कोई भी बैग या कोई भी पाउच ऐसा कुछ भी रिसीव नहीं होता। ये सिर्फ हमें कार्डबोर्ड के ऐसे डब्बे में, जैसा मैंने आपको आउटर पैकेजिंग दिखा दिया वो वैसे ही रिसीव होता है, और आपको इनर में आपको इस तरह की प्लास्टिक की शीट मिल जाती है जिसमें आपके सारे मेकअप ब्रशेस बेसिकली होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो इसमें टोटल हमें 15 ब्रशेस के सेट मिल जाते हैं। ये सारे ही आई मेकअप के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसकी जो क्वालिटी है ब्लेंडिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको एक एक करके मैं दिखा देती हूँ कि सारे इसमें आपको किन किन चीज़ों के ब्रशेस मिल जाते हैं। आई मेकअप पे हमें मोस्टली आईब्रो के लिए, आई शेडो ब्लेंड करने के लिए, हमें लाइनर अप्लाई करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें ब्रशेस चाहिए होती है। तो ये पूरा होल जो सेट है ये आई मेकअप का ही ब्रश का सेट है। जैसा कि आप देख सकते हो जो वाइट ब्रिसल्स वाले ब्रशेस हैं ये गोट हेयर से बने हुए हैं, और इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ब्लेंडिंग में भी बहुत ज़्यादा इजीली ये ब्लेंड करता है आई शेडो को। नेक्स्ट जो आप 8 ब्रशेस देख सकते हो ये सिंथेटिक हेयर से बने हुए हैं, और इनकी क्वालिटी भी अमेजिंग है। तरीके के एंगल ब्रश मिल जाते हैं, और ये तीनों ही अलग अलग शेप एंड साइज के हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं, ये छोटा एंगल ब्रश है और ये सबसे बड़ा एंगल ब्रश है जैसे कि आप देख सकते हो, और ये मीडियम साइज का एंगल ब्रश है। तो यहाँ पे हमें 3 एंगल ब्रश मिल जाते हैं आपको लाइनर ड्रॉ करने के लिए। अगर आप चाहो तो लाइनर से ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो अपना कंसीलर, अगर आप आईब्रो शेप करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो ये तीनों जो ब्रशेज हैं बेसिकली एंगल ब्रश हमें दिए गए हैं। आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये दो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश हैं। ये जो दो स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। मोस्टली आपको इतने स्मॉल ब्रशेज अगर आप परचेस करने जाते हो तो सिंगल आपको एक एक ब्रशेस बहुत कॉस्टली मिलते हैं, बट आपको इसमें सेट में ही मिल जा रहा है। तो ये जो ब्लेंडिंग ब्रशेस है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वॉच लाइन पे, या फिर आपके जो लोअर लैश लाइन पे अगर आपको कुछ ब्लेंड करना है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लेंड करता है। एट द सेम टाइम बहुत ही प्रिसाइज आपको मतलब ब्लेंडिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देता है। तो इसके लिए इस टाइप के छोटे ब्रशेस बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो 3 हमें ब्लेंडिंग ब्रशेस मिल जाती हैं ये लॉन्ग फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रशेस हैं। आप देख सकते हो इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही सॉफ्ट है ये। आप देख सकते हो 3 ब्रशेस हैं, ये तीनों जो ब्रशेस हैं ये तीनों हाइलाइटर आप इससे अप्लाई कर सकते हो, ग्लिटर अप्लाई कर सकते हो,
ये जो सबसे बड़ा वाला ब्रश है, इससे आप अपनी जो भी हाइलाइटर है वो अप्लाई कर सकते हो। मोस्टली अभी के ट्रेंड में जो भी आप देख सकते हो, मेकअप में जो भी ट्रेंड चल रहा है, जिसमें ये वाले ब्रशेस काफ़ी ज़्यादा इससे यूज़ किया जाता है हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने में ब्लेंडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, A1 क्वालिटी है इसकी। और साथ ही आप इसको बहुत इजीली वॉश कर सकते हो, ये वॉश करने में भी बहुत अच्छी तरीके से आप वॉश कर सकते हो, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बात अच्छी है कि इनकी आप देख सकते हो, इसका जो मेटल है ये भी बहुत अच्छे क्वालिटी का है। इसकी जो आप जो वुडन स्टिक देख सकते हो, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो आप ब्रशेस को लेके इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया, भले इसमें आपको नंबरिंग जो है वो नहीं आपको यहाँ पे मेंशन किया गया, बट आपकी जो क्वालिटी है इसमें आपको A1 क्वालिटी मिल रही है। तो आप लोग डेफिनेटली इसे आँख बंद करके परचेस कर सकते हो। सिर्फ इसका ड्रॉबैक मुझे यही लगा कि इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है कि इसका जो नंबरिंग जो होती है वो मेंशन नहीं किया हुआ है, और एट द सेम टाइम इसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया, जो कि बिगनर्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब ही वो मेकअप के जब वो बिगनर होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कोई भी ब्रशेस पिक करने में, या उनको समझ नहीं आता कि हमें कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहिए। तो अगर ये चीज़ मेंशन किया होता तो ये ब्रश, मतलब मुझे लगता है कि आई थिंक अब तक का मेरा बेस्ट ब्रशेस का सेट होगा, तो मुझे ऐसा फील होता। बट उसके बावजूद भी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये रिव्यू शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और इसका जो प्राइस पॉइंट है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने इसे ऑफलाइन परचेस किया था तो ये मुझे कुछ 1200 समथिंग कुछ प्राइस में रिसीव सो हुआ था। फ्रेंड्स, ये पेरी ब्रशेस का रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। नोटिफिकेशन को बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो है उसकी अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।